तो संगवारी हो, हम अब पहुंच गए हैं ताज नगर में और ये धरसीमा विधानसभा के धरसीमा गांव के अंदर ही है ताज। और ये जो आप मन देख सकते हो पानी टंकी, तो ये हमारा थोड़ा अलग टाइप की लगी से एक पिल्लर मस्त टंकी खड़ा कर दे है। और ये जगह भैया मने दे, ये मन साफ सफाई करा थे, कुछ तैयारी शायद करने वाला है। जी आपके क्या नाम है? शेख यूनुस। अच्छा, चुनावी माहौल चालू होने वाला है, बस कुछ ही दिन में वोट डालना है, आप मन वोट डाले पर तैयार है? दरी तैयार तो है ना, चुनावी माहौल के हिसाब से वोट डालना है भाई। हाँ ना, देखा तो देख, ये मोहल्ला में गंदगी देखा तो इस तरफ सबसे पहली भाई है हमला, कुछ न कुछ दिखावा थे कि यहाँ पे गंदगी है। गंदगी देख रहा भाई, यहाँ साफ सफाई नहीं, ऊपर पूरा जाम हो जाते नाली वाली, यहाँ की व्यवस्था भी व्यवस्था भी राइट रहना चाहिए, है कि नहीं भाई? ये दरी जो है तीन अलग 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 पार्टी से है, जैसे कि भाजपा से अनुज शर्मा है, कांग्रेस से आपके छाया वर्मा जी है, और छत्तीसगढ़िया क्रांति से अमित बघेल जी है। ये तीनों जन आप जानता हो? जी जाने पर तो सब लान था, लेकिन वो अपन ला नहीं जाना ना, है ना? दूसरी बात है ना, तीसरी बात ये है भाई की, देखिए वो अपन यहाँ के नहीं है, वो सब जितने भी खड़े हो सब बाहरी वाले है ना। अपन यहाँ से मतलब जो लोकल को खड़ा होना चाहिए ना, लोकल वाले छोड़ लोकल, के लोकल में कौन कौन होना रही, लोकल में कौन होना रही से? अब भाई लोकल में इतना सारा नेतागिरी में उतरते हैं, बस यहीं के यहीं रह जाते हैं, ऊपर तक के जाने का प्रयास ही नहीं करते, ऊपर तक जा भी नहीं पाएंगे। उन लोग बाहरी लोग को दिला रहे, यहीं का गंदगी देख लो ना भाई, पहले दिखा दिखा भाई, होती दिखा, ये तरफ गंदगी है खाली, गंदगी है खाली कहा थे, और यहाँ पे साफ सफाई होने चाहिए। साफ सफाई नहीं होता इधर, है ना? हाँ। अरे देखो इधर बना हुआ है, क्या चीज़? राजनगर का दिखा दो भाई, इधर आगे दिखाएंगे, आगे दिखाना है, आगे दिखाना। आप देखो साफ सब इधर तो गंदगी माहौल है, इधर अपन लोग ना कुछ करके, अपन देखो अपना त्योहार के नाम से देखो, अपन लोग ना तो सरपंच, ना तो अपन कुछ है, ना सरपंच है, ना वो पंच है, ना कुछ है। हाँ। तो भी ना अपने उसमें अपन लोग ताजनगर खड़ा कर दिए, देख लो ऊपर ऊपर दिखा दो। वो तो दिख रहा है आपका, हाँ, काम दिख रहा है, वो तो नेता लोग भी नहीं कर पाएंगे, अपन कर लेते बिना नेता। तो कौन नेता रही से जिन अच्छा काम नहीं करी, आपके जो गंदगी है तेल नहीं कर पाई, वो तो कोई कौन नेता है वो? अरे तो नेता के नाम ले से थोड़ी ना कुछ हल हो, ये बताए अब आने वाला है वो क्या कर सकते, विकास कर सकते का कुछ, ये चीज बिल्कुल। आप कौन सा विकास चाहते हो, क्या विकास चाहते हो आप भाई? मुद्दा ये देख, यहाँ दीदी उदी बहन वहन, चलो आप बहुत अगर बता रहे हो। हाँ, दीदी क्या नाम है आप? दीदी क्या नाम है आपकी? बोला पूछो जी सर, आपके ये तरफ विकास हो है, का चाहिए आपको? साफ है नहीं रहा है, देखना दादला पूरा हर हमेशा गंदगी रहती है, हर हमेशा अभी पूरा जो आपके वार्ड में अल्लाह मन पूरा साफ करे। क्या नाम है सबसे पहले? मुस्तफी कुन्नी सा नाम है, वो गंदगी ला नहीं देखा, यह कुछ होबे नहीं करा। हां अभी तो हुआ वहां था, तो को भी भर ले बता, भाग जाबे तो हुआ पक्का मिशन में, तो हुआ है हमन तो दिखावो छे। आप आपके जो पार्षद है वो कौन रही से, कैसे काम नहीं करी? पार्षद बने से सब देह करा थे, कोई कुछ नहीं करा सर। पार्षद के पास अपन अपन गांव में सब ला दादा भाई एक साथ जीना रहना सब लगे, तो ते दैसे कर देस की कोन लग कई वोट नहीं, तो पार्षद के पास आप जाना चाहिए और दिखाना चाहिए आप मन की काम का बन जाबो नो, तो पूरा कहां रहे थे पार्षद? पार्षद हमारे घर शिवम पार्षद नहीं है, पांच सरपंच है, उप सरपंच वही वही पार्षद सन, तो थोड़ा बहुत साफ सुथरा कर दी जाने, काम काम कर बन ता तान पड़े तन पड़े छे, मतलब कोई सूद लेके जरूरत नहीं है। ये तो साफ सफाई एक मुद्दा हो गया, एक अलावा का चाहिए आप लोग? आवास वास मिले आप लोग? हाँ मिल गए है, राशन कार्ड? हाँ वह राशन कार्ड है, तो पैदा नहीं तब के राशन कार्ड लगा की तो अभी अभी जो तीन जन दावेदार है यहाँ पे जो विधायक के लिए लड़ा थे, आप जानता हो कौन कौन है? जाना था, जान के काय कर सबो गद्दी बैठी डालते को, तो नहीं, अभी अभी आही वोट मांगे बट आप लड़ू नहीं? चल दिस लड़ा था हम तो लड़त लड़ा, अभी अभी ये जगह, अभी ये जगह डिबेट रखे है, वो जगह आप जाके अच्छा से बोल सकते हैं? बोले नहीं नहीं, अभी बस स्टेशन कर रखे है, आप जाके बोल सकते हो कोई भी चीज? बोल बो यही कि हमारे जाके मोहल्ला देखो आप कैसे काम करोगे, बोल सा ऐसे बोला भेजे है? नहीं मोला भेजे नहीं है दाई, मोला भेजे नहीं है, अभी वो कार्यक्रम है ना, तो मैं आया हूँ, तो मैं हाल चाल ना इतनी बार देखे बराबर कि आपके क्या विचार है आपके मोहल्ला में? तो आई चे जी तब देख सका था, कहीं ना कहीं जो साफ सफाई है वो चीज है, उखर मुद्दा है, उखर अलावा भी बहुत सारा मुद्दा है। जी भाई आपके क्या नाम है? अजीमुद्दीन जी, क्या कहना है आपके, क्या लगते है नेता मंत्री मन कब का काम करते और क्या का आपके तरफ विकास होना चाहिए जो नहीं है फिलहाल? ठीक है विकास है जो भी है, वो काम लग करवे करते भाई नेता मन जो लगी वाला जी जी।
करते है लेकिन का लगते कि ऐसे काम नहीं हुआ है आपके एरिया में? हुआ थे करत है अपन गांव के जो नेता मन है वहाँ और बाहरी नेता मन अपन कहा कर पाई गांव के नेता जो बने हुए अपन पंच सरपंच कर देख के करत है जो लगत है ये चीज में कुछ चीज नहीं चीज पूरा करत है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सरपंच ज्यादा जिम्मेदारी बनते है कि वो अच्छा से काम करता है। करत अपन काम ल अच्छे तरीके से वैसे कोई अगर गलती नहीं है जी। अभी विधायक चुनाव है तो विधायक में आप लोग कौन ऐसे है जो आप वोट देना चाहो या पसंद है? तीन ऐसे है अलग अलग भाजपा कांग्रेस और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना। कांग्रेस ला देना भाई कांग्रेस। हाँ जी ठीक जी वही दिन फैसला करोगे? वही दिन फैसला करबो आही तेने दिन जी जी। हम कह दें कि अभी बता देते आप? नहीं नहीं अभी बताएं गड़बड़ है भैया गड़बड़ सब देख के फिर बोल दी जी जी। हमारे साथ में ए दे औ हे जी जी मैम का नाम है जी? आप कुछ कहना चाहो? कोई विकास नहीं जी आप कुछ भी नहीं कुछ मतलब नहीं है हमला तुमन कहीं वोट दो कहीं कुछ करो बना के बस दे दो रोड रोड घर वाला ठीक ठाक बना दो और मोहल्ला बढ़िया चकाचक कर दो ऐसे कहना है। चलो चलते हैं दूसरा वो गली में और वहां जाने की कोशिश करते हैं कि वहां के माहौल का है वहां के जनता का की थे। चलो चलते हैं। परफॉर्मेंस के आधार पे तो इसका तो मतलब यही होता है कि परफॉर्मेंस सही नहीं था? नहीं ये गलत बात है परफॉर्मेंस था तो आप कहने तक गलत बात कह रहे हैं। जो माइनिंग का डायरेक्टर था माइनिंग का सबसे अच्छा बड़ा अधिकारी था जो मुख्यमंत्री के पास विभाग होता है उसका अधिकारी आज जेल में सड़ रहा है। ये अनवर ढेबर कौन है जो गांव-गांव में शराब बेचवाए है? ये मेरी बहने बैठी है चित्कार करने आई है कांग्रेस के खिलाफ। आज मेरी बहने पूछने आई है इनसे आपने तो शराब बंदी की घोषणा की थी ना गली गली में शराब क्यों बेच दिया? कोरोना के काल में जब हम सब ने देखा है मोदी जी की वैक्सीन और मोदी जी का ठीक है। अभी अपन धरसीवा में रहते हैं सब कुछ मैं ठीक है आएंगे सब कुछ सही था तो आपको एक एक्टर को क्यों उतारना पड़ा मैदान से? राजनेता नहीं थे क्या इधर घट गए? वो पद्मश्री है एक्टर नहीं उसको भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला है और ये धरसीवा के हर एक मतदाता के लिए स्वाभिमान की बात है कि आज पद्मश्री का वैक्सीन। अच्छा पद्मश्री का व्यक्ति है और जब टिकट मिली थी तो पुतले फूंक रहे थे गलियों में कांग्रेसी फूंक रहे थे डर गए हैं ये नाम से डर गए मैदान छोड़ के भागने की नौबत आ गई है। पांच इनकी सबसे खराब चीजें जो आपको लगी हूँ मैं आपसे पूछता हूँ जो आपके सबसे विकट मुद्दे रहेंगे धरसीवा को लेकर वजह से लेकिन मैं टॉप फाइव पूछ रहा हूँ। ये नरवा गरवा कुरवा बारी की बात करते हैं मेरे भाई मित्रों आज अगर गाय की बात करते हैं अगर गाय देख लीजिए गौठान से छोड़ के कैमरामैन साहब को बोलूंगा गाय को दिखाएं गाय रोड पे टहल रही है ये है इनकी योजना है। बात करते एक नरवा नहीं बना है ये विधायक का गांव है जिला पंचायत अध्यक्ष का गांव है टकारी वहाँ की सड़क नहीं बना पाए पांच साल में क्या विकास की बात करेंगे? ये बात करते हैं नारी शक्ति की टेकारी में एक महिला का मर्डर हो जाता है जिसका छह महीना हो गया शिनाख्त नहीं होता पांच साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है इनके राज में होता है महिला विधायक के नाम पूरा। और बात करेंगे ये स्कूल की बात किया स्वामी आत्मानंद स्कूल की आज जाके देखिए सरकारी स्कूल में ताले लग गए हैं। एक महाविद्यालय एक विद्यालय की बात करते हैं वो विद्यालय भारतीय जनता पार्टी की देन थी जिसका रंग रोज गंज करके मात्र नाम बदल दिया स्वामी आत्मानंद। बात करते कॉलेज की धरतियों में कॉलेज दे दिया अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया है तो धरतियों में महाविद्यालय बनाने का काम किया है। ये बात करते हैं आज उनका रंगाई गोटाई का पैसा नहीं है इनके पास खंडार बन गया है मेरा महाविद्यालय है। तो क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? जाइएगा क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप बोलना चाहते हैं और आपके सवाल क्या जनप्रतिनिधियों से होंगे? कोई भी जिसको बोलना है वो खड़े होंगे और अपनी बात रखेंगे। आप किसके किसकी तरफ से हैं और किसको लेकर सवाल पूछना चाहते हैं? इधर भी हम आएंगे आप भी खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं और मैं सभी से निवेदन करूंगा प्लीज आप विराजित हो जाएं। डिबेट अभी अपने शुरुआती श्रृंखला में अभी आगे और चरम में पहुंचेगी आप सभी से निवेदन है विराजित हो जाएं। मैं भाजपा की तरफ से कांग्रेस को सवाल पूछना चाहता हूं
लगातार छाया वर्मा जी जो इनकी प्रत्याशी है उनसे पूछा जाता है कि धरसीवा में आप ऐसा क्या मुद्दा लेकर जाएंगी जिससे जनता आपको स्वीकार करे, तो वो बोलती कि हम भूपेश बघेल जी को काम को लेकर जाएंगे। उनको ये तक नहीं पता कि धरसीवा में विगत मुद्दा क्या है, तो वो चुनाव कैसे लड़ेगी, ये सवाल है मेरा।